हो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका दोस्त राजीव। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो तुन्ना जी का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन बन के आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का आइकन बन के आएगा, उस पर सब्सक्राइब मेंशन किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिएगा। बगल में बेल आइकन बनेगा, आप उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी। मैं आज का थोड़ा सा वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए जो यंगस्टर्स हैं जो बाइक राइडिंग पसंद करते हैं या प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि सोलो राइडिंग में आपको अपने आप को जितना फ्री रख सकते हैं, अपनी बॉडी को जितना फ्री रख सकते हैं, उतना आपको स्मूथ और कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। नियर अबाउट 400-500 किलोमीटर्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था सैडल बैग से रिलेटेड, उसके बाद मैंने एक डाला था टैंक बैग। तो वैसे ही एक बैग आता है टेल बैग, एक वियटेरा करके कंपनी है, उन्होंने टेल बैग डाला हुआ है, काफ़ी अच्छी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो वो ऑनलाइन मिल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे मैंने वो परचेज़ किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बहुत अच्छा बैग है, 62 लीटर्स का बैग है वो, तो 62 लीटर्स मोर देन सफिशिएंट होता है आपकी नियर अबाउट एक हफ्ते की अगर आप प्लान कहीं के कर रहे हैं तो। आप उसमें आपका फूड आइटम्स, आपके कपड़े, आपकी ये सब सारी चीज़ें बड़े आराम से उसमें आ जाती है, तो आप उसको एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको राइडिंग में आप उसमें जैसे बैकपैक होता है या और भी तरीके के बैग होते हैं तो वो सब कैरी ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर वो हल्का भी बैग होगा ना और आप 100 किलोमीटर्स के बाद वो बड़ी इरिटेशन से शुरू कर देता है, आपके शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप इस तरीके के बैग्स आप अपने जितनी भी वेट है, जो भी आप एसेसरीज कैरी करके जाना चाहते हैं, वो सारे आप बाइक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि आप फ्री रहें। आप एक अच्छे गियर्स पहनिए और ग्लव्स वगैरह, अच्छा शूज़, ये सब सारी चीज़ें होती है सेफ्टी के लिए, जो एल्बो और ये आपका नी गार्ड वगैरह आता है वो सब आप यूज़ करें, तो उतनी आप कंफर्टेबल राइड आप फील करोगे। तो आज का प्रोडक्ट मैं अभी अनबॉक्स करता हूँ और आपको उसकी क्वालिटी वगैरह बताता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो सैडल बैग होता है, सैडल बैग भी एक मैंने जो लिया था वो 30-30 लीटर्स का था, उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, एक सीट के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड आता है। उसमें आप एक साइड में अपने कैमरे की गियर्स यूज़ करता हूँ, एक तरफ मेरे कपड़े वगैरह वो सब सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो लॉन्ग राइड के हिसाब से बहुत अच्छा होता है वो, नो डाउट। उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे क्या लगता है कि उसका, अगर आप मान लीजिए कि आप राइड कर रहे हैं, राइड में आप रिवर साइड और ये बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, तो कभी कभार आपका मन करता है कि आप बाइक को लगा के और वहाँ से आप ट्रैक करके नीचे जाएं। तो उस केस में अगर आप सैडल बैग आप बाइक पे छोड़ना एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो वो अगर आप वहाँ से उसको निकालते हैं, उसके बाद कैरी करके आप नीचे लेके जाते हैं, तो वो उतना कम्फर्टेबल नहीं होता। उसमें आपके दोनों हाथ जो हैं, हैंड्स जो हैं, वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उसको लगाना निकालना भी थोड़ा सा अनईजी सा हो जाता है। तो और अगर आप, जैसे मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटो शूट करता हूँ तो मुझे ट्रैक करना पड़ता है मेरे, अब जैसे बड़े बड़े लेंसेज होते हैं उनका भी एक अच्छा खासा वेट होता है, मोनोपॉड होता है, उसके अलावा आप पानी वगैरह भी लेके जाते हैं, बैग भी होगा। तो कोशिश कीजिए कि जितनी भी इस तरीके की आप एसेसरीज लेके आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो इतना कम्फर्टेबल आपके लिए होना चाहिए कि आपको बॉडी में कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप क्विक एक्सेस आप उसको कर सकते हैं। सैडल बैग एक डेस्टिनेशन से अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना है या आप वहीं पे फोटोशूट वगैरह रोड पे कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे से फिक्स होता है, 100% वाटरप्रूफ वो भी होता है, ये भी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने रॉयल इनफील्ड का लिया था तो वो भी एक, अभी तक मैंने कई सारी राइड्स करी हुई हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस उसके इंस्टेंट की मुझे एक ऐसे बैग की रिक्वायरमेंट थी जिसको मैं लगा भी सकता हूँ ईजिली और उसको अगर जब कहीं पे जाना हो तो उसको आराम से मैं शोल्डर पे या हैंड के थ्रू उसको कैरी करके आप अपना ट्रैक करके नीचे तक जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ही ये वाला बैग है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। उसको मैं बाइक पे फिक्स करके भी दिखाऊंगा और आपको एक छोटी सी ट्रिप मतलब एक छोटी सी राइड भी करके दिखाऊंगा कि वो मुझे कम्फर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद एक दो दिन के बाद मेरा एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबी राइड का नहीं है लेकिन वहाँ पर मैं उसी बैग को यूज़ करूँगा, तो उसके बाद देखूंगा कि उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम फेस करता हूँ या नहीं करता, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो में बने रहिएगा। और दूसरी चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी हमारी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग करना, फिर मैं आपको उसके एक एक फीचर्स को समझाऊंगा।
ये देखिए गाइस क्या बढ़िया है इसकी क्वालिटी है यार, इसका फैब्रिक देखिए, इसका शाइनिंग देखिए। ये 62 लीटर्स का बैग है, ये देखिए कितना ह्यूज साइज है इसका, ये काफ़ी ह्यूज है इसका साइज, बढ़िया। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है वियटेरा कंपनी है, 100% वाटरप्रूफ। इसमें प्राइस दे रहा है 3999, मेरे ख्याल से मुझे भी इतने का ही कॉस्ट पड़ा था। इसमें EMI वगैरह से आप ले सकते हैं, अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाएगा इससे। मैंने तो अमेज़ोन से परचेज़ किया था, इसमें इनका कस्टमर केयर नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसमें आपका कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई मेल डालनी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ उसके साथ क्या क्या चीज़ें मुझे मिली है। तो ये देखिए इसमें ये कई सारे बकल्स लगे हुए हैं, ये देखिए अभी मैं भी फर्स्ट टाइम ओपन करके देख रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। बाकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। इसमें देखिए ये दोनों तरफ साइड पॉकेट्स हैं, ये इधर भी एक साइड पॉकेट है, इसमें आप अपना, ये देखिए इसके अंदर एक वाटरप्रूफ कवर मिला हुआ है। अच्छा ये जो है ये आपका है, ये इनर साइड का है, ये इन साइड के आपके जो भी लगेजेस होंगे ना आप उसमें इसको रख के आप इसको पैक कर दीजिए। ये देखिए ये 100% वाटरप्रूफ बना देता है, ये इनर शील्ड है एक तरीके से, इसके अंदर आप कपड़े वगैरह डाल के आप इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए तो ये आपको 100% वाटरप्रूफ बना देता है। लगेजेस वगैरह इसमें इसको अंदर ऐसे रखिए, इसमें स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, इसको ओपन करिए। ओके सामान इसमें डालिए और ये बन गया आपका। यार क्वालिटी बहुत बढ़िया है इस बैग की, ये देखिए ऐसे करके इसको आप अंदर रख के इसको स्ट्रैप्स को लगा के यूँ ऐसे आप बंद कर दीजिए। और इसमें साइड पॉकेट्स हैं, ये साइड पॉकेट्स में आप 5 लीटर का जार आप रख सकते हैं, इसमें आप पेट्रोल कैरी कर सकते हैं, पानी कैरी कर सकते हैं। 5 लीटर्स मोर देन सफिशियंट होता है आपको किसी भी जर्नी के लिए। ये देखिए कितना बड़ा पॉकेट दे रखा है इसमें, और क्या चीज़ें दे रखी हैं, ये देखिए शायद रेडियम लाइट्स हैं, रिफ्लेक्ट करती है रात में। और ये देखिए ये ऑरेंज कलर का इसमें स्ट्रिप्स दिया हुआ है, इसमें ब्लैक कलर का भी ऑप्शन आता है, इसमें दो ही कलर आते हैं, ऑरेंज कलर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, आपके पास ऑप्शंस हैं। ये देखिए ऊपर में ये देखिए आपको एक इस तरीके का एक पॉकेट दिया हुआ है, इसके अंदर आप अपना कार्ड्स पेपर है ना, गाड़ी के पेपर वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट हो आप अपनी इसमें हार्ड डिस्क रख सकते हैं, आप इसमें अपने कार्ड्स रख सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है क्विक आप वर्क करने के लिए। ऊपर में भी सेम है, ऊपर में भी आप इसमें अपना पेपर वगैरह रख सकते हैं गाड़ी का, ये देखिए जो आपको तुरंत ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके अलावा देखिए सेम पॉकेट इधर भी है, इसमें देखें क्या दिया हुआ है, ये देखिए ये पूरे बैक का रेन कवर दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, देखिए आप लोगों को इसमें क्वालिटी उतनी पता नहीं लग रही होगी लेकिन मैं बता रहा हूँ ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ों की पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इस तरीके से अपने बैग को रेन प्रोटेक्टेड डस्ट प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, इसको इस तरीके से इसके ऊपर कवर कर दीजिए। मैं अभी बाइक के ऊपर जब इसको इंस्टॉल करूँगा ना तब आप लोगों को निकाल लगा के दिखाता हूँ इसको। एक इसमें भी यहाँ पे भी एक पॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक पॉकेट है, इसमें ये देखिए स्ट्रिप्स है। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था आपसे कि आपको ये वाला जो बैग है आप इसको आराम से इसमें लगेजेस वगैरह अच्छे से इंस्टॉल कर दीजिए, और लॉक सिस्टम के थ्रू आप यहाँ पे फंसा के एक इधर लगा के आप अपने शोल्डर्स के ऊपर आप इसको आराम से कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं। इस वजह से ये मुझे सैडल बैग से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सिंगल बैग है लेकिन ये है 64 लीटर्स का। आप इस तरफ एक तरफ आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, एक तरफ आप अपने कैमरा गियर्स रख सकते हैं, बीच में आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, उसके अलावा आप इसको लॉक लगा के आप आराम से इजी अपने शोल्डर पे कैरी करके आप कहीं भी जाइए। इसको माउंटिंग करना उससे ज़्यादा आसान है, 2 या 3 बकल सिस्टम्स हैं इसमें, लगाना और निकालना बहुत आसान है, तो वो भी प्रैक्टिस करके देख लेंगे। बाकी देखिए इसके साथ स्ट्रिप्स मिले हैं, 2 रेन कवर मिला हुआ है, ये आउटर के लिए
और ये वाला इनर के लिए। और देखें इसमें और क्या चीज़ें हैं। ये देखिए कंपनी का यहाँ लोगो मार्क लगा हुआ है। तो ये रिफ्लेक्टर है, ये रात में बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टर है ये। ये देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब रिफ्लेक्टर है, रात में बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए अब इसमें लगेज कैरी करते हैं, इसमें सामान फटाफट डालता हूँ, फिर बाइक पे चलते हैं, फिर आपको उसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइस लगभग अभी मैंने अपने लगेजेस निकाल लिए हैं, तो इसको अब मैं सेट करके देखता हूँ कितना कितना क्या चीज़ें इसमें बैग में आ जाती है। तो ये है लैपटॉप, ये हो गया 5 लीटर के लिए आपका कैन, इसमें वाटर या पेट्रोल कैरी कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ह्यूज है, इस साइड का साइड पॉकेट है, इसमें देखिए आसानी से इंसर्ट हो गया है। इसको इसमें बंद कर देते हैं। उसके अलावा ये वाला पाउच है, इसके अंदर मेरे बाइक के स्पेयर पार्ट्स हैं, क्लच गियर्स है, बंजी है, टायर के ट्यूब्स हैं फ्रंट बैक व्हील्स के। उसके अलावा इसके अंदर चेन लॉक है, स्पार्क प्लग है, फ्यूज़ है, कई सारी चीज़ें हैं। एक मैंने वीडियो डाली थी जो सैडल बैग का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ। इसका एक पाउच बना के इसको एक बैग के एक साइड में रख देते हैं। तो एक साइड आ ये शोल्डर हैंगिंग के लिए इसका स्ट्रैप है, इसको भी लगाते हैं। और अब चलते हैं नीचे, बाइक पे माउंट करते हैं और देखते हैं कितना ड्यूरेबिलिटी आ रही है इसकी। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये मैंने सेट कर दिया है, इसमें ये जो लोगों की बेजिंग है ये बैक साइड रहेगी, बाकी ये स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, ये टाइट लूज कर सकते हैं आप। इसके ऊपर अपने टूल, जो टूल के बॉक्सेस हैं या कुछ और, आप इसके ऊपर कैरी करके बेल्ट लगा सकते हैं। बाकी इसको लगाना बहुत आसान है, देखिए इसमें ये देखिए ऐसे करके स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, ये एक इस तरफ का है, इसको यहाँ से दोनों स्ट्रैप्स को पहले प्रॉपर बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए निकाल लिया इसको इधर से, और ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छी लेंथ है। ये आ गई, अब आप इसको बाइक के बैक साइड में आप इधर से भी निकाल सकते हैं, नंबर प्लेट के बैक से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिएगा। ये वैसे हर बाइक के लिए सूटेबल है, यहाँ वैसे करके इसके अंदर से इंसर्ट करके एक लॉक छोड़ दीजिए यूँ, तो ये बैक साइड से फिक्स हो गया, ये बैक साइड से कहीं नहीं जाएगा। बारी आती है इधर की, इधर में भी दो ऐसे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, इसको आप ओपन कर लीजिए प्रॉपर। इसको ऐसे
रिस्ट रिप्स को प्रॉपर पहले निकाल लीजिए बाहर यूँ। अब आप अपने बाइक की कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिए कि इसके लिए क्या बेस्ट पड़ेगा। जैसे मेरा ये फुट रेस्ट है बैक वाला, यहाँ से निकाल के इस कैबिनेट के पीछे से ले गया और दोनों में इसको इंसर्ट करके सिंगल से इसको रिटर्न कर दिया। सिंगल से आप इसको करके इसको खींच दीजिए और ये जो इसका ये है इस बटन को यहाँ पे ऐसे करके फिक्स कर दीजिए। सेम चीज़ यहाँ के लिए है, यहाँ से निकालिए। इसको लूज़ कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी लेंथ है इसकी, मोर देन सफिशिएंट, आप इसको कहीं भी फंसा सकते हो। मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यहाँ से इसके बैक साइड से लिया फुट के, इसको इधर से लिया, इसको डबल में से इंसर्ट करा, फिर उसके बाद सिंगल में से ईज़ली आप इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको टाइट कर दीजिए और इस बटन को आप फिर से इसके साथ लगा दीजिए। ये देखिए आपका बैग एकदम प्रॉपर फिक्स हो गया है। देखिए अब इसका बैक साइड से भी मूवमेंट नहीं है, फ्रंट साइड से भी मूवमेंट नहीं है, प्रॉपर फिक्स हो गया। ठीक है, तो एक छोटी सी एक राइड लेके आते हैं। सो गाइज अभी तक तो मतलब जैसे बैक साइड में आप सैडल बैग ही लगाते हैं या आप अपना टेल बैग या कोई भी चीज़ आप कैरी करते हैं तो आपको फील सी आती है आपकी बॉडी आपकी राइडिंग में, आपको थोड़ा सा अनईजी सा महसूस होता है या आपको लगेगा बैग लूज़ हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की रोड्स इतनी ख़राब हैं लेकिन फिर भी बैग की वजह से कोई भी इशू नहीं आ रहा है, तो कम्फर्टेबल तो है लॉन्ग रूट के लिए भी।